हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है प्रमोद। तो दोस्तों, एक से दो दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे आपसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या आपके वीवो V15 प्रो में एंड्रॉइड 11 के बाद कैरियर एग्रीगेशन का जो सपोर्ट है वो इनेबल कर दिया गया है क्या। मीन्स जहां पे नेटवर्क सेक्शन में आपको 4G लिखा हुआ आ रहा था, वहां पे 4G+ या H+ लिखा हुआ आ रहा है क्या। तो आप लोगों में से 62% लोगों ने कहा था कि हाँ, आपके वीवो V15 प्रो में ये जो फीचर है उसको इनेबल कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आया था कि यार, ये कैरियर एग्रीगेशन होता क्या है और आपके फोन में 4G+ शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कैरियर एग्रीगेशन होता क्या है, अगर आपके फोन में कैरियर एग्रीगेशन है तो क्या फायदे होने वाले हैं, अगर आपके फोन में 4G+ शो नहीं हो रहा है तो कब तक शो करेगा और क्यों शो नहीं हो रहा है, और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके फोन में जो कैरियर एग्रीगेशन है वो इनेबल है कि नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इंस्टॉल कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरियर एग्रीगेशन होता क्या है। तो आप नाम से ही जान सकते हैं, कैरियर मतलब नेटवर्क, एग्रीगेशन मतलब जोड़ने वाला, यानी काफी नेटवर्क को जोड़ के एक सिंगल नेटवर्क तैयार करना। जैसे आपको सिंपल भाषा में बताऊं, एक बैकेट को भरने के लिए अगर आप सिंगल नलके का यूज करते हैं तो उसको भरने में काफी टाइम लगता है, लेकिन एक साथ आप 2-3 नलका ओपन कर देंगे तो वो जो बैकेट होगा बहुत जल्दी भर जाएगी। सेम फंडा यहाँ पे भी देखने को मिलता है। जैसे आपके फोन में 4G+ या कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं है तो उस समय आपका फोन जो है सिंगल बैंड को सपोर्ट करता है, जिसके वजह से आपको मैक्सिमम 20 MHz फ्रीक्वेंसी ही सपोर्ट मिल पाएगी। अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं, नेट यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस समय आपके फोन में जो नेटवर्क की स्पीड आएगी वो कम आएगी। लेकिन उसी जगह आपके फोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट हो गया है तो आपके फोन में मैक्सिमम 5 बैंड को सपोर्ट करने की पावर मिल जाती है, यानी कि 100 MHz फ्रीक्वेंसी सपोर्ट कर सकता है। इससे ये हो जाएगा कि आपके फोन का नेटवर्क स्टेबल तो होगा ही, साथ में अपलोड और डाउनलोड स्पीड जो है वो पहले की तुलना में काफी इंक्रीज कर जाएगी। और ये एक प्रैक्टिकल बात है, कोई ऐसी बातें नहीं है कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली है। काफी अच्छा डाउनलोड स्पीड बढ़ जाती है और सबसे अच्छी बात होगी कि बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं नेटवर्क, तो आपका जो नेटवर्क स्पीड होगा वो डाउन नहीं होगा। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपके वीवो V15 प्रो में जो 4G+ है वो उसको इनेबल कर रहा है। जो अब आप लोगों में से दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपके फोन में 4G+ शो नहीं हो रहा है, तो मैं बता दूं दोस्तों, कैरियर एग्रीगेशन के लिए दोनों कंपनियां जिम्मेदार होती हैं। एक तो आपका जो फोन कंपनी बनाई है वो, और दूसरा जो आप सिम यूज कर रहे हो, जो सर्विस आप यूज कर रहे हो, जैसे एयरटेल, जियो, वोडा, जो भी आप यूज कर रहे हो। कई बार होता है दोस्तों कि आपके फोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट तो है, लेकिन जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जिस लोकेशन में आप रह रहे हैं, वहां का जो सर्विस प्रोवाइडर है जो आप यूज करते हैं वो कैरियर एग्रीगेशन को इनेबल नहीं किया, तो भी आपके फोन में जो कैरियर एग्रीगेशन है या 4G+ शो नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप आ रहे दोस्तों कि आप लोग कैसे पता करेंगे कि आपके फोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, नेट मॉनिटर नाम का एक ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको बता देगा कि आपके फोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है कि नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, जैसे ही ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल बैंड शो करेगा, मीन्स आपके फोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं है। और साथ में अगर डबल बैंड आ रहा है, 3 बैंड आ रहे हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी शो हो रही है, मीन्स आपके फोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है। तो दोस्तों, अब बात करें दोस्तों कि इसको कैसे इनेबल करना है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि इसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर आपके फोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है और आपके एरिया में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है, तो अपने आप ही आपके फोन में 4G+ इनेबल हो जाएगा। ये वीवो फ़ोन की बात कर रहा हूँ। कई बार रियलमी फ़ोन में आपको सेटिंग में जाके इस फीचर को इनेबल करना पड़ता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।